बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमानुल्लाह, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमानस वीडियो। डियर व्यूअर, आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंटस को कि जॉइंटस क्या है और जॉइंटस किस चीज़ की वजह से होता है। फिर हम मेटाबॉलिज्म ऑफ जॉइंटस को डिस्कस करेंगे कि प्री हिपैटिक जॉइंटस क्या है और हिपैटिक जॉइंटस क्या है और पोस्ट हिपैटिक जॉइंटस क्या है, और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जो है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, सबसे पहले जॉइंटस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड इज दैट व्हाट डू वी मीन बाय जॉइंटस। जॉइंटस इज एक्चुअली अ क्लिनिकल कंडीशन व्हिच इज कॉज्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ब्लूरबीन इन टू द ब्लड। Therefore, jaundice is also known as hyperbilirubinemia. जब ब्लूरबीन की इंक्रीज कंसंट्रेशन होती है ब्लड में, तो पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है, फिनोटिपिकली फिजिकली पेशेंट में क्या चेंजेस आएंगे जिसको आप क्लिनिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पेशेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगे, तो पेशेंट विल सफर फ्रॉम येलोइंग ऑफ स्क्लेरा, वाइट पोर्शन ऑफ द आईज एंड स्किन। सबसे पहले पेशेंट का जो स्क्लेरा है, वाइट पोर्शन ऑफ द आई है, उसमें येलो कलर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लूरबीन जो है वो सबसे पहले स्क्लेरा के साथ अटैच होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ इलास्टीन प्रेजेंट इन द स्क्लेरा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता स्किन की येलो कलरिंग शुरू हो जाती है और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ब्लूरबीन इन टू द ब्लड। जॉइंटस जो है क्लिनिकल कंडीशन है विच इज कॉज्ड बाय मेनी डिजीजेस एसोसिएटेड विद लिवर, बिफोर लिवर एंड आफ्टर लिवर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्लूरबीन की कंसंट्रेशन क्यों इंक्रीज होती है, ब्लूरबीन किस तरह बनता है, और ब्लूरबीन टॉक्सिक है तो बॉडी के उसको नॉन टॉक्सिक में किस तरह कन्वर्ट करता है और बॉडी इसको किस तरह एक्सक्रीट आउट करता है। तो ब्लूरबीन जो है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लूरबीन का की कहानी शुरू होती है रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन से। हमें ये पता है कि नॉर्मल आरबीसी जो है वो आफ्टर 120 डेज जो है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है इन द रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो में रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम ऑफ द बॉडी होता है। तो रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम के जो मैक्रोफेजेस है वो उन आरबीसी को रप्चर करते हैं। जब आरबीसी को रप्चर करते हैं तो आरबीसी के अंदर जो मेन कॉन्टेंट है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक हीम में और दूसरा ग्लोबुलिन में। ग्लोबिन जो है वो आगे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और हीम जो है, हीम फर्दर स्प्लिट होता है टू पोर्शन में, एक आयरन में और एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग्स में। ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग जो है ये कन्वर्ट होता है बिलिवर्डीन में, और फिर बिलिवर्डीन जो है वो कन्वर्ट होता है ब्लूरबीन में, और ये सारा प्रोसेस होता है रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम के सेल में। जब ब्लूरबीन में ये कन्वर्ट हो जाता है तो अब इस ब्लूरबीन को हम कहते हैं अनकंजुगेटेड ब्लूरबीन। अनकंजुगेटेड ब्लूरबीन का मतलब ये है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता तो बॉडी के लिए ये टॉक्सिक होता है। तो बॉडी क्या करती है कि इस ब्लूरबीन को के साथ अल्ब्यूमिन को अटैच करती है और अल्ब्यूमिन जो है इसको सॉल्युबल करता है और इस ब्लूरबीन को ब्लड के थ्रू कैरी करता है हेपेटोसाइट्स में, यानी कि लिवर के जो फंक्शन सेल है, जो पेरेन्काइमल सेल है हेपेटोसाइट्स, वहां पे लेकर आता है और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए ये ब्लूरबीन जो है अल्ब्यूमिन से रिलीज होता है और हेपेटोसाइट्स के अंदर चला जाता है। हेपेटोसाइट्स के अंदर जो है हेपेटोसाइट इसको रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ लेकर जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये ब्लूरबीन जो है इसके साथ ब्लूरबीन तो ब्लूरबीन के साथ ग्लूकोयूरोनिक एसिड जो है वो अटैच हो जाता है और ये काम सर अंजाम देता है एक एंजाइम, ठीक है। वो एंजाइम्स जो है ग्लूकोयूरोनिक एसिड और ब्लूरबीन को अटैच करता है और ये वाला ब्लूरबीन जो है फिर इसको हम कंजुगेटेड ब्लूरबीन कहते हैं और ये कंजुगेटेड ब्लूरबीन जो है वाटर में सॉल्युबल होता है। ये कंजुगेटेड ब्लूरबीन जब हेपेटोसाइट से निकलता है तो बाइल कैनोलिकुलाई में जाता है और बाइल कैनोलिकुलाई जो है इसको बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर लेकर जाता है और गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है और फिर गाल जूस और पेनक्रियाटिक जूस सब मिलके ड्यूडिनम में आगे ओपन होते हैं थ्रू कॉमन बाइल डक्ट।
अब प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये ब्लूरबीन आता है, कंजुगेटेड ब्लूरबीन जब स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको दोबारा रीअब्सॉर्ब नहीं करता। एक तो प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, तो वो एब्जॉर्ब होने नहीं देता। दूसरी बात ये है कि इसका जो साइज है, मॉलिक्यूलर साइज, वो बड़ा होता है, तो इसलिए इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो है वो इसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन हमें ये पता है कि इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा होता है, तो नॉर्मल फ्लोरा क्या करता है कि इस कंजुगेटेड ब्लूरबीन को दोबारा डीकम्पोज करता है यूरोब्लिनोजीन में, ठीक है, इससे ग्लूकोयूरिनिक एसिड हटाता है और इसको कन्वर्ट करता है यूरोब्लिनोजीन को, और यूरोब्लिनोजीन से फिर ये आगे कन्वर्ट करता है माइक्रोबायोटा इसको स्टर्कोबिलीन में, और स्टर्कोबिलीन के फॉर्म में ये स्टूल के साथ पास आउट हो जाता है, और स्टूल का ब्राउन कलर जो है वो भी इसी स्टर्कोबिलिनोजीन की वजह से होता है या स्टर्कोबिलीन की वजह से होता है। लेकिन जब यूरोब्लिनोजीन में ये कन्वर्ट होता है कंजुगेटेड ब्लूरबीन को, तो चूंकि इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, लेकिन जब इसको नॉर्मल फ्लोरा डिकम्पोज करता है, यूरोब्लिनोजीन में कन्वर्ट होता है, तो 10-20% ऑफ दिस यूरोब्लिनोजीन जो है इसको म्यूकोजा रीअब्जॉर्ब करती है, और जब 10-20% इसको रीअब्जॉर्ब करती है, तो ये इंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन यानी कि जो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जो हेपेटाइटिस लिवर में ब्लड जाता है, तो ये दोबारा लिवर में चला जाता है और लिवर इसको एक्सक्रीट करता है। लेकिन सम ऑफ दिस यूरोब्लिनोजीन जो है वो लिवर से पास बाईपास करता है लिवर को, और वो किडनी में पहुंचता है, और किडनी से ये पास आउट होता है इन यूरिन। तो यूरिन में भी जो येलो कलर है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस यूरोब्लिनोजीन है जो इंटेस्टाइन से रीअब्सॉर्ब होता है थ्रू इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, और उसमें से कुछ यूरोब्लिनोजीन जो है वो लिवर को बाईपास करता है और वो किडनी में पहुंचता है, और किडनी उसको यूरिन के थ्रू पास आउट करती है। तो ये नॉर्मल मेटाबोलिज्म है ब्लूरबीन का, जिसमें प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक तीनों फेजेस मैंने आपको बताया। अब ये तो नॉर्मली ब्लूरबीन इस तरह जाता है और इस तरह पास आउट होता है, लेकिन जब कभी कभी किसी भी फेज में, फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है, तो ब्लूरबीन का जो लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड इट इज टॉक्सिक। तो इसलिए इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कैसे कैसे इंक्रीज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्री हिपेटिक फेज ऑफ द मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस वक्त कौन सा ब्लूरबीन इंक्रीज होगा और वो कौन कौन से कंडीशन में हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ब्लूरबीन जो है वो रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन से आ रहा है। अब अगर इतने रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कि नॉर्मल से ज्यादा रेड ब्लड सेल टूट रहे हैं, तो लिवर की एक कैपेसिटी है लेट से कि वो 10 मॉलिक्यूल को कंजुगेट कर सकता है। तो अगर एक साथ 20 मॉलिक्यूल आते हैं, तो 10 मॉलिक्यूल को तो लिवर कंजुगेट कर लेगा, लेकिन वो जो 10 इजाफी मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो अनकंजुगेटेड ब्लूरबीन जो है वो ब्लड में जाएगा, और वो ब्लड से पास आउट भी नहीं होता क्योंकि वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनकंजुगेटेड ब्लूरबीन होगा और अनकंजुगेटेड ब्लूरबीन इनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होगा। तो इसलिए जब कभी भी बिफोर लिवर कोई प्रॉब्लम होगा यानी कि इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन होगी, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा ब्लड में अनकंजुगेटेड ब्लूरबीन इंक्रीज होगा। और ये कौन से कंडीशन हो सकते हैं, जाहिर है कोई भी हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, या किसी भी कॉज की वजह से इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल जैसे ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, या गिल्बर्ट सिंड्रोम है, या क्रिगलर नेजार सिंड्रोम है, क्योंकि ये दो ऐसे हेरिडिटरी सिंड्रोम है कि इनमें भी लिवर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कंजुगेटेड ब्लूरबीन जो है लिवर जो है वो अनकंजुगेटेड ब्लूरबीन को हैंडल नहीं कर पाता, तो इसलिए वो भी प्री हेपेटिक प्रॉब्लम है क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है, लिवर में कोई इशू नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में एक तो अनकंजुगेटेड ब्लूरबीन इंक्रीज होगा, ठीक है, और दूसरा हम इसके साथ साथ लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे। लिवर फंक्शन टेस्ट में हम ये देखेंगे कि एलेनिन ट्रांसफरेज एंजाइम जो है ALT जो है वो नॉर्मल होगा और ALP भी नॉर्मल होगा। तो हमें ये पता चलेगा कि ALT नॉर्मल है, इट मीन दैट के लिवर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ALP प्रॉब्लम नॉर्मल है, इट मीन दैट के बाइलरी ट्रैक के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और जो इंक्रीज ब्लूरबीन है वो भी इनडायरेक्ट ब्लूरबीन है, वो भी अनकंजुगेटेड ब्लूरबीन है, तो इट वुड बी
एनीथिंग रॉन्ग विद प्री हेपेटिक फेज ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लोबुलिन, फिर वो क्लिनिशियन जो है उसको अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करेगा। अब अगर प्रॉब्लम लिवर में है, हेपेटिक फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लोबुलिन में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में हेपेटोसाइट्स जो हैं वो इस काबिल नहीं होते कि जितना अनकंजुगेटेड ग्लोबुलिन आता है उस सारे को कंजुगेट कर ले। तो इसलिए अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम होगा तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों टाइप के ग्लोबुलिन इंक्रीज होंगे, क्योंकि लिवर कुछ तो कंजुगेट करेगा कुछ को कंजुगेट नहीं करेगा। तो दोनों कंडीशंस जो हैं वो दोनों टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन जो है वो इंक्रीज होंगे, और इसको हम कहते हैं मिक्स पिक्चर। इसके लिए आगे रूप देखने के लिए हम ALT भी करेंगे और ALP भी करेंगे। तो हेपेटिक फेज में हमेशा ALT इंक्रीज आएगा क्योंकि लिवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और ALP जो है वो नॉर्मल होगा क्योंकि बाइलरी ट्रैक के साथ कोई इशू नहीं है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिवर में प्रॉब्लम है। तो ऐसे कंडीशंस जो हैं आपको कब मिल सकते हैं, जैसे हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा है, सिरोसिस है, वायरल हेपेटाइटिस है यानी हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, अल्कोहलिक सिरोसिस है, या इसके अलावा कोई और ऐसी कंडीशन है, कोई ड्रग्स है जो हेपेटोसाइट्स के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही है। तो इन सारे कंडीशन में हेपेटिक फेज ऑफ द ग्लोबुलिन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, और उसकी वजह से जब ग्लोबुलिन इंक्रीज आएगा तो उस जॉइंटस को हम कहेंगे हेपेटिक जॉइंटस, क्योंकि हेपेटोसेल्युलर फेज जो है वो वाला डिस्टर्ब है। अब अगर प्री हेपेटिक फेज में भी कोई इशू नहीं है, हेपेटिक फेज ऑफ द मेटाबॉलिज्म में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन पोस्ट हेपेटिक यानी कि जब लिवर से निकल के गॉलब्लैडर तक कंजुगेटेड हीमोग्लोबिन कंजुगेटेड ग्लोबुलिन पहुंचता है, तो गॉलब्लैडर से वो आगे नहीं जा पा रहा, यानी कि पोस्ट हेपेटिक फेज में कोई इशू है, तो उस वक्त हमें क्या प्रॉब्लम आएगी या क्या फाइंडिंग आएगी। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये होगा कि ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि कंजुगेटेड ग्लोबुलिन जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अनकंजुगेटेड ग्लोबुलिन आएगा नॉर्मली, और नॉर्मली उसको लिवर जो है कंजुगेट करेगा और गॉलब्लैडर तक भेजेगा, लेकिन वो गॉलब्लैडर से आगे नहीं जा सकेगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वहाँ कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो रिवर्स आएगा और ब्लड में आएगा। तो इसलिए जब कोई प्रॉब्लम पोस्ट हेपेटिक फेज में होगा, और पोस्ट हेपेटिक फेज में हमेशा जो प्रॉब्लम होती है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइलरी डक्ट हो सकता है, और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइलरी डक्ट के भी बहुत सारे कॉजेज हैं, मैं थोड़ा सा उसको टच करता हूँ। तो इस वजह से पोस्ट हेपेटिक फेज में हमेशा कंजुगेटेड ग्लोबुलिन इंक्रीज होगा। जब हम ALT करवाएंगे तो ALT नॉर्मल आएगा क्योंकि हेपेटिक फेज जो है वो नॉर्मल है, लिवर अपना काम ठीक ठाक कर रहा है, हेपेटोसाइट के साथ कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब हम ALP करवाएंगे, अल्कलाइन फॉस्फोटेज कराएंगे, तो अल्कलाइन फॉस्फोटेज इंक्रीज आएगा। क्यों? क्योंकि अल्कलाइन फॉस्फोटेज जो है वो म्यूकोजा ऑफ द बाइलरी ट्रैक जो है वहाँ से सिक्रीट होता है। तो चूंकि पोस्ट हेपेटिक फेज में हमेशा बाइलरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो ALP बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा ब्लड में। और बाइलरी फेज की जो बाइलरी ट्रैक है इसकी ऑब्स्ट्रक्शन जो है स्टोन की वजह से भी हो सकती है, यानी कि ल्यूमेन में कोई स्टोन आ गया है और उसने उस डक को ब्लॉक किया है, या म्यूरल कॉजेज है। म्यूरल कॉजेज ये है कि थिकनेस ऑफ द वॉल हो जाती है जो बाइलरी ट्रैक है, तो डिफरेंट कॉजेज की वजह से उसकी थिकनेस हो जाती है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या एक्स्ट्रा म्यूरल कॉजेज है जैसे पेनक्रियाटिक का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से और उसने बाइलरी ड्रग को प्रेस किया है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या कोई और एब्डोमिनल मास आ गया है जिसकी वजह से उन्होंने उस बाइलरी ड्रग को ऑब्स्ट्रक्ट किया है और जिसकी वजह से बाइल जूस जो है वो इंटेस्टाइन में नहीं आ रहा, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो इन तीन कॉजेज की वजह से पोस्ट हेपेटिक फेज में प्रॉब्लम होगा। तो जिस फेज में प्रॉब्लम होगा और उसी फेज में उसी से रिलेटेड ग्लोबुलिन का अमाउंट बढ़ेगा, तो जब ग्लोबुलिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो हाइपरग्लोबुलिनीमिया होगा एंड इट विल रिजल्ट इन जॉइंटस। तो अगर प्री हेपेटिक फेज में इशू होगा और ग्लोबुलिन बढ़ेगा तो हम उसे प्री हेपेटिक जॉइंटस कहेंगे, और अगर हेपेटिक फेज ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लोबुलिन में इशू होगा तो हम उसे हेपेटिक जॉइंटस या इंट्रा हेपेटिक जॉइंटस कहेंगे, और अगर पोस्ट हेपेटिक फेज ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लोबुलिन में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से ग्लोबुलिन ज्यादा हो रहा है तो हम उसे पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस कहेंगे। सो दिस इज व्हाट टू टेल यू अबाउट प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल डॉक्टर अमानस वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल। फी अमानुल्लाह।